हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम सैनी सभी वर्गों को साधने के प्रयास में जुट गए हैं। यही वजह है कि एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। सरपंचों की पावर बढ़ाने के बाद सीएम सैनी ने घुमंतु जाति के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। अब पीएम आवास योजना के तहत घुमंतु जाति के लोगों को घर दिए जाएंगे। इसके लिए परिवार पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। सीएम नायब सैनी ने अपने निवास स्थल पर बाबा लखीशाह बंजारा की जयंती पर बंजारा समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि विमुक्त घुमंतु व टप्परवासी जातियों की सूची में अनुसूचित जाति की 20 तथा वर्ग की 13 जातियां शामिल हैं। इन जातियों के कल्याण और उनके मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार ने अलग से बोर्ड का गठन किया है। सीएम ने कहा कि बोर्ड के सदस्यों के रूप में भी इसी समाज के लोगों को आगे लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का मकसद यही है कि पिछड़ों को उनका हक मिले और वे मुख्य धारा से जुड़े। डीएमटी बोर्ड बना करके आप लोगों को वो सम्मान देने का काम किया है। आज डीएमटी के अंदर हमारे सभी भाई यहाँ पर आए हैं और पीछे भी, क्योंकि जब इसका बोर्ड बना और उसको लेकर के आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत डीपली आप लोगों के हित में काम किए हैं। इसका विकास निगम एक बनाने का भी निर्णय लिया है, उसका जल्दी ही वो भी अपने कार्य में अमल में आ जाएगा और जिसके माध्यम से आप लोगों तक और सुविधाएं गति से वो पहुंचे, उसका यही हेतु और उसका दायित्व भी यही है कि आप कोई व्यक्ति वो सुविधा से ना छूटे और आप तक सरकार की योजना एक योजनाबद्ध तरीके से पहुंचे, उसके माध्यम से भी आप लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। और मैं आप लोगों को एक और इस बात से आश्वस्त करता हूं कि हमारे कुछ व्यक्ति हैं, इसी में से ही हमारे डीएनटी के सदस्य लगने चाहिए। इस बात को मैं आज सुनिश्चित करता हूं कि बाहर से कोई नहीं लगेगा, आप लोगों के बीच से ही लगेंगे। कोई व्यक्ति बाहर से नहीं आएगा। जो हमारे डीएनटी के अंदर जिनका मैंने जिक्र किया है कि एससी से 20 जाती हैं, बीसी से 13 जाती हैं, इनके बीच से ही लगेंगे। जो आपका एक पूरा का पूरा एक ग्रुप बना है, बाहर से कोई नहीं लगेगा। और हमारी ये सोच है कि आप बैठ करके जो आप लोगों में से बीच में से आएंगे वो अच्छी तरह उस बात को समझते हैं, समझ करके उस योजना को धरातल पर उतारने का काम आप लोग करेंगे, और ताकि हमारे इस समाज को ये लाभ मिल सके और हमारा समाज ये भी आगे बढ़ सके। जो पिछड़ा है उस पिछड़े को अग्रा करने का काम एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। ये सोच है एक भी सर ऐसा नहीं रहेगा जिस सर के ऊपर छत नहीं होगी, और मैं आपको इस बात के लिए ये पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि जो 2018 का डीएनटी का जो सर्वे हुआ, समाज को आवंटित उस सर्वे के अंदर आपने लिखा है, हमने जो एक नीति योजना बनाई है, एक पोर्टल की भी हमने बात कही थी कि एक पोर्टल बनाया जाए और उस पोर्टल के ऊपर आप लोग रजिस्ट्रेशन करें, जिसके पास मकान नहीं है या जिसके पास प्लॉट नहीं है वो प्लॉट भी और मकान भी देने की व्यवस्था वो हमारी सरकार करेगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।